सो हेलो एवरी वन, नमस्कार। तो यार सबसे पहले तो ना थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु हैव शोन सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू दिस अकाउंट। अरे यार 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, थैंक यू सो मच। तो यार बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ ना। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रगल के बारे में, नहीं अनन्या पांडे के बारे में नहीं। तो देख यार एक छोटी सी मतलब अपनी बैक स्टोरी बताता हूँ। मुझे ना राइटिंग करना टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई वाज लाइक कि यार ये ना मेरा मतलब ट्रू पैशन है। जैसे वीडियोस में बताते हैं ना, जैसे यूट्यूब वीडियोस में या फिर कोई और बताता है ना कि मतलब अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो आपको कोई भी मतलब एक दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपका मतलब हर दिन वेकेशन की तरह जाएगा। तो आई वाज वेरी पम्प्ड अप एट दैट मोमेंट जब मैंने मतलब फ्रीलांस राइटिंग करना शुरू किया कि यार मुझे तो राइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब मेरा तो अब मतलब लाइफ सेट है, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ। तो मैंने फ्रीलांस राइटिंग करना शुरू किया। तो शुरू में ना टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत सही लगता था, पर यार जब मतलब डेडलाइंस आना शुरू हुई, जब देर रात तक 12-12 1-1 बजे तक काम करना पड़ा, जब सुबह 4-4 5-5 बजे उठ के मुझे मतलब आर्टिकल लिखना पड़े, तब ये फील होने लगा कि यार जो भी ये वीडियोज़ में बताते थे ना वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो यार वो तो ये कहते थे कि मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप मतलब काम कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है एंड ऑल। पर यार हुआ क्या ना कि जब मतलब मैंने अपना पैशन फॉलो किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे सच में राइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आर्टिकल लिखना ना बहुत ज़्यादा पसंद था क्या मुझे अभी भी पसंद है। पर जब मतलब मैंने ऐसे डेडलाइंस के लिए काम करना शुरू किया, जब मतलब मुझे एक्चुअल में उस चीज़ को मतलब एज अ करियर ऑप्शन देखना शुरू किया, तब उसमें भी मुझे उतना ही स्ट्रेस मिलने लगा। तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि यार जो भी वो लोग वीडियोस में बताते हैं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल सही जाएगी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो एंड ऑल, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यार देखो अगर आप किसी भी चीज़ को एज अ करियर ऑप्शन देखना शुरू करते हो ना तो आपको उसमें स्ट्रेस ज़रूर होगा। मैंने शायद ये पहले भी एक वीडियो में बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि वो सब वीडियोस में ना बिल्कुल गलत बता कि आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल एक वेकेशन की तरह बन जाएगी। हाँ शायद बन भी जाए, पर आपको ना उसमें स्ट्रेस बिल्कुल होगा। ऐसा कभी मत सोचना कि मतलब अगर आपको इसमें स्ट्रेस मिल रहा है तो शायद ये आपका ट्रू पैशन नहीं है एंड ऑल। तो यार मैं ना मतलब आपको डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर मैं ना ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यार आप ना मतलब अपने पैशन को ढूंढने की जगह उस स्ट्रगल को ढूंढने की कोशिश करो जिसके साथ ना आप मतलब कंफर्टेबल हो। उस स्ट्रगल को ढूंढने की कोशिश करो जो आपको लगता है कि आप उम्र भर कर सकते हो, वो आपका ट्रू पैशन होगा, वो ही मतलब आपका ड्रीम वर्क होगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। आई एम नॉट श्योर कि मेरी बातें आपको समझ आई होगी या नहीं, मेरी बातों ने कुछ सेंस बनाई होगी या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।